नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज के वीडियो में आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी। द लाइन्स टीम क्या कहती है कट ऑफ और पासिंग मार्क को लेकर, बीएड वाले क्यों डर रहे हैं। यदि 40 और 45% पासिंग मार्क हो जाता है तो बीएड वाले कैसे बाहर हो जाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से। एक बड़ा मुद्दा बन गया है कट ऑफ और पासिंग मार्क। जो बीएड और बीटीसी जो 90% में क्रॉस कर गए हैं, बीटीसी वाले, वो पासिंग मार्क को हमेशा कट ऑफ ही बोलते हैं और सरकार भी हमेशा कट ऑफ ही जिक्र करती है। मीडिया वाले पासिंग मार्क को कट ऑफ ही कहती है, जबकि ये पासिंग मार्क है। कट ऑफ तो पासिंग मार्क लगने के बाद कट ऑफ लगता है, तो पता नहीं क्यों गुमराह कर रहे हैं। इसी वजह से 40-45 पे जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में हम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि 40-45 पासिंग मार्क है वो, या 60-65 पासिंग मार्क है, कट ऑफ है। तो इससे फैसला इनके फेवर में ना हो पाए। तो इस सब को लेकर द लाइन्स टीम का जो संदेश है, पोस्ट के माध्यम से हम बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। और कल इस कट ऑफ और पासिंग मार्क पे सीतापुर टीम ने भी अपना ऑडियो जारी किया था, जो आपने सुना होगा। नहीं सुना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलते हैं अब खबरों की ओर। पहली खबर द लाइन्स टीम की जो ऑफिशियल पोस्ट आई है वो हम आपके लिए बता रहे हैं। कट ऑफ बनाम पासिंग मार्क मुद्दे पर तमाम भ्रांतियों के जवाब सहित व्याख्या द लाइन्स टीम। प्राइम टाइम स्पेशल पोस्ट है ये, और ये 19 जुलाई 2020 सुबह 8:30 की है। तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश के तमाम साथी, यहाँ तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल साइट, कट ऑफ और पासिंग मार्क मुद्दे के अंतर को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि माननीय न्यायालय इस अंतर को भली बात समझ चुका है। टॉप सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जी ने इसे बखूबी रिप्रेजेंट किया है। अभी बहुत बड़ी फौज वकीलों की तैयार है, जो समस्त बिंदुओं या पहलुओं की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। इस अंतर की सटीक व्याख्या टीम के रजवाइंडर के पैरा 40 और 41 में बखूबी की गई है। 40 पैरा हम आपके लिए बता रहे हैं पढ़ के। दैट द रिस्पॉन्डेंट्स हैव रॉन्गली स्टेट्स इन जियो डेटिस 7 जनवरी 2019 फिक्स्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आई ई 60 और 65 फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी हियर सबमिशन दैट हियर देयर इज वाइज डिफरेंस बिटवीन कट ऑफ एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन बारिश केसेस द अपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट क्वालिफाइंग मार्क्स आर मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी बेहस कट ऑफ इज चॉइसिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स आउट ऑफ दैट लिस्ट फॉर वैकेंसी इट इज सबमिटेड दैट इन क्वालिफाइंग मार्क्स आर डिफरेंस फ्रॉम कट ऑफ स्कोर्स इफ यू थॉट्स अदरवाइज आल द दिस वाइल क्वालिफाइंग मार्क्स आर दोज मार्क्स विच यू नीड टू स्कोर टू गेट सेलेक्टेड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। पैरा 14 अर्थात राज्य ने 7 जनवरी के आदेश में 65 और 60% जो पासिंग मार्क को कट ऑफ के रूप में गलत तरीके से लिखा है, जबकि हमारा कहना है कि कट ऑफ और पासिंग मार्क में एक बड़ा अंतर होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तमाम आदेशों में ये निर्धारित किया है कि पासिंग मार्क वह न्यूनतम अंक होते हैं जो किसी भर्ती की सफल अभ्यर्थी की सूची में दर्ज होने के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होती है, जबकि कट ऑफ उस भर्ती की उस चयन सूची से एकतम अभ्यर्थी के चयन का मानक होता है। और पैरा 41 यहाँ ये भी समाचीन है कि पासिंग मार्क वह अंक होते हैं जो अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक होती है। उपयुक्त तत्वों को प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए आगे व्याख्या पैरा में नीट परीक्षा का उदाहरण भी उद्धृत किया गया है। विदित हो कि काउंसलिंग प्रक्रिया में पासिंग अंक को क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी प्रतिभा करते हैं। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी का चयन का दावा स्वीकार नहीं होता है। काउंसलिंग प्रोसेस चयन की एक अंतिम प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग के बाद कट ऑफ निर्धारित होता है, होकर अंतिम सूची का प्रकाशन होता है। उपरोक्त विवरण को देखकर सभी शंकाग्रस्त साथी इस तथ्य से अस्वस्थ हो लें
टीम ने पूरे मामले की सांस से शीशे की तरह पारदर्शी कर दिया है। आपके संघर्ष का साथी द लायंस टीम का ये पोस्ट थी। आप सभी चिंतित ना हो, टीम के प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। आप केवल अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से के काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। द लाइस्ट टीम का वादा है, इसने चाहा तो 40 और 45% पास के मार्क विजय सुनिश्चित है, क्योंकि सत्य को केवल परेशान किया जा सकता है, प्रयत्न नहीं। जो आवश्यक होगा टीम आप सभी से परामर्श लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर सिंगल बेंच के ऑर्डर ही पास होते हैं, डबल बेंच के ऑर्डर नहीं हो पाते हैं। तो आशा करते हैं कि 40-45% पास मार्क हो जाए और जो 20 वर्षों से कार्य थे शिक्षा मित्र, 1,37,000 करीब सहायक अध्यापक बन गए थे, उनमें से जो टेट पास थे वो फिर पुनः सहायक अध्यापक बन जाए। अब बात करते हैं बीएड वाले कैसे बाहर होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से। यदि पासिंग मार्क 40 और 45% हो जाता है तो इसमें करीब 32,000 शिक्षा मित्र सीट ले लेंगे, 32 और 8,000 करीब 40,000 के समथिंग सीट शिक्षा मित्र पे आ जाएंगे, और शेष जो BTC वाले रह जाएंगे उनकी मेरिट अकेडमी अच्छी होती है तो उस पर चयन हो जाएंगे। कुल मिला के बीएड वाले अधिकतम वही 10 से 5, 5 से 10,000 सीटों पे ही कब्जा कर सकते हैं।